नेक्स्ट पॉइंट वैल्यू ऑफ ऑफ्रायन नॉट. वी नो दैट वन अपॉन फोर पाई ऑफ्रायन नॉट 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलर स्क्वायर. देन वी कैन राइट 4 πε₀ 1/9 × 10⁹ कूलर स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. ऑफ्रायन नॉट 1/4π₀ 9 × 10⁹ कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. ये वैल्यू को करिए 4 3.149 × 10⁹ देन रिजल्ट 8.85 × 10⁻¹² कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर. This is the value of ऑफ्रायन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. डायमेंशनल फार्मूला यूनिट्स की है न्यूटन मीटर नो कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. कूलॉम मीन्स चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला ए टी. फोर्स यम एल टी माइनस टू एल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ऑफ्रायन नॉट. यू नो दैट कूलॉम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डायमेंशन ऑफ चार्ज ए टी. फोर्स एम एल टी माइनस टू लेंथ एल टू. देन वी कैन राइट डियर स्टूडेंट नाउ वी स्टडी कंपेरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. यू नो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट बिटवीन टू चार्जेज बट ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट बिटवीन टू मासेस. अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है और कुछ डिसिमिलैरिटी है. पहले तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की कौन कौन सी सिमिलैरिटी है. पहली सिमिलैरिटी तो यह है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ मीन्स स्क्वायर डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. सेकंड है बोथ फोर्सेस यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस आर चार्जेज. यहां पे देखिए कि जो ग्रेविटेशनल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वह
वन बाई आर स्क्वायर होता है और यही ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है। देन वी कैन से दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बोथ वो भी इनवर्स स्क्वायर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यम वन यम टू। यहां भी दोनों में सिमिलैरिटी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ग्रेविटेशनल फोर्स मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये सिमिलैरिटी है। थर्ड ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रल फोर्स होता है। तो टू चार्जेस पॉइंट चार्जेस, अब इनके बीच जो फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन और रिपल्शन, वह फोर्स इनके सेंटर सेंटर के बीच लग रहा है। और बॉडी हो कोई जिसका मास यम वन यम टू हो तो हमेशा फोर्स जो होता है इनके सेंटर सेंटर के बीच लगता है। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बोथ आर सेंट्रल फोर्स। फोर्स सिमिलरिटी यह है कि दोनों कंजर्वेटिव हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बोथ आर कंजर्वेटिव। फिर सुनिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इनमें सिमिलैरिटी क्या है? बोथ फोर्सेस आर ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, मीन्स यह प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर स्क्वायर। सेकेंड यह है कि बोथ फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस आर चार्जेज। थर्ड यह है कि बोथ फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्स। फोर्थ यह है बोथ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये तो इनकी सिमिलरिटी है। अब यहां पे देखना है कि इसमें इनकी डिसिमिलरिटी क्या होगी। डिसिमिलरिटी यह है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वह दो चार्ज के बीच लगता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है टू मास के बीच लगता है। इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है वह उनके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स उनके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रिकल फोर्स बोथ नेचर अट्रैक्शन और रिपल्शन। इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है वह अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वह केवल अट्रैक्शन फोर्स होता है। इलेक्ट्रिकल फोर्स दो चार्जों के बीच मीडियम पर डिपेंड करता है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स टू मासेस के बीच मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रिकल फोर्स इज ग्रेटर देन आर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है वह ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रांग होता है। द इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स
इज 10^43 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का 10^43 टाइम्स होता है। अब ये समझ लीजिए कितना ग्रेट स्ट्रांग होता है। प्रोटॉनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के 10^36 टाइम्स होता है। स्टूडेंट अभी समझ सकते हैं आप कि ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वह ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना स्ट्रांग है। तो आपको इस समझ में आ ही गया होगा कि इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या सिमिलरिटी है। ठीक है, चलिए इसको हम राइट करते हैं कि इनमें सिमिलरिटी क्या है और डिसिमिलरिटी क्या है। तो हमारी जो पॉइंट होगी वह पॉइंट यही है कि कंपेरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। कंपेयरिंग बिटवीन इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब यहां पे सिमिलरिटी क्या है। सिमिलरिटी, पहली सिमिलरिटी क्या होगी, बोथ फोर्सेस आर ओबे इनवर्स स्क्वायर ला या प्रोपोर्शनल टू 1/r। दूसरी सिमिलरिटी क्या है, बोथ फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of masses or charge। थर्ड, ये जानते हैं कि जब भी फोर्स लगता है सेंटर सेंटर के बीच लगता है, दोनों चार्ज हैं तो उनके सेंटर सेंटर के बीच फोर्स लगेगा, मास है तो उनके सेंटर सेंटर के बीच लगेगा, मीन्स बोथ फोर्सेस आर सेंटर फोर्स, बोथ फोर्सेस आर सेंटर। फोर्स बोथ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, दोनों कंजर्वेटिव होते हैं। यहां पे बताया गया कि बोथ फोर्सेस ओबे इनवर्स स्क्वायर ला। ये जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है यह प्रोपोर्शनल 1/r² और कूलॉम्स लॉ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है यह प्रोपोर्शनल 1/r² मींस बोथ फोर्सेस ओबे इनवर्स स्क्वायर ला। नेक्स्ट, बोथ फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टारगेट यूरोनेट या प्रोपोर्शनल टू M1M2 आर या प्रोपोर्शनल टू Q1Q2। थर्ड, बोथ फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्स, बोथ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्स।
ये तो इनकी सिमिलरिटी है। नेक्स्ट है चलते हैं डिसिमिलरिटी। डिसिमिलरिटी फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स exerted between two masses. No, electric force exerted between two charges. While gravitational force exerted between two masses. पहले डिफरेंस इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है टू चार्ज के बीच लगता है। अभी कैसे चार्ज होंगे? पॉइंट चार्ज होंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स टू मासेस के बीच लगता है, भी पॉइंट मास होता है। सेकंड है इलेक्ट्रिक फोर्स आर अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव व्हाइल ग्रेविटेशनल फोर्स only attractive force। स्टूडेंट आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वह अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है केवल अट्रैक्शन फोर्स होता है। थर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड मीडियम बिटवीन टू चार्जेस व्हाइल ग्रेविटेशनल फोर्स नॉट डिपेंड बिटवीन टू मासेस। फोर्थ इलेक्ट्रिकल फोर्स आर स्ट्रांगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ही स्ट्रांग होता है। अब कितना होता है देखिए, हम इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है वह ग्रेविटेशनल फोर्स का 10^43 टाइम होता है। और टू प्रोटॉन के लिए लेते हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए है, कह सकते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन,
और प्रोटॉन के लिए क्या होगा 10^43 Fg नो 36 फॉर प्रोटॉन। अभी देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का 43 टाइम्स है, जबकि दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स है सॉरी प्रोटॉन के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का 10^36 है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वह ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इस प्रकार से स्टूडेंट आप ये समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों में क्या क्या सिमिलरिटी है क्या क्या डिसिमिलरिटी है। तो पहले भी आपको बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिकल फोर्स में सिमिलरिटी कौन कौन सी है। इलेक्ट्रिकल फोर्स इनवर्स स्क्वायर इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। दोनों चार्ज और मास की डायरेक्टली प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। बोथ चार्जेज आर सेंट्रल फोर्सेज बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब डिससिमिलरिटी जो है डिससिमिलरिटी बताया गया है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स दो चार्ज के बीच लगता है जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स टू मास के बीच लगता है। इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव आर रिपल्सिव बट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज ओनली वन अट्रैक्टिव। इलेक्ट्रिकल फोर्स डिपेंड्स मीडियम बिटवीन टू चार्जेज बट ग्रेविटेशनल फोर्स आर नॉट डिपेंड्स मीडियम बिटवीन टू मासेस। इलेक्ट्रिकल फोर्स इज स्ट्रांगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल द इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स इज 10^43 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज 10^36 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। यस